क्या आप भी इन्वर्टर फ़ैन ख़रीदना चाहते हैं, वो भी कम से कम रेट पर, वो भी फैंसी मॉडल क्राउन शेप में? कीमत आप जानकर हैरान होंगे, इतने कम रेट में फैंसी मॉडल। और इस फैन को अनबॉक्स करके सर्किट के कनेक्शन भी चेक कराएंगे, इसकी परों का डिज़ाइन भी चेक कराएंगे आपको। किसी भी कंपनी का इन्वर्टर फैन परचेज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर लास्ट में आपको दिया जाएगा। इन्वर्टर फैन या एसी डीसी फैन किसी भी कंपनी का अगर आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी कंपनियों के फ़ैन हैं आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं, लास्ट में आपको हम लोकेशन देंगे जो कि आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको लोकेशन भेजी जाएगी, आप डायरेक्ट हमारे शॉप पर विजिट कर सकते हैं। और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल अप्लायंसेस अवेलेबल है जो कि आप डिस्प्ले पर आपको दिखाए जा रहे हैं। अभी हम आपको जो अनबॉक्स करके चेक कराएंगे वो मॉडल है 18 स्लॉट में अल बुर्ज का मॉडल है और उस फैंसी मॉडल है, उसको हम चेक कराएंगे, कंप्लीट अनबॉक्स करके उसका रिव्यू देंगे, उसकी प्राइस बताएंगे, उसके आरपीएम आपको चेक कराएंगे। और इसके अलावा इसमें जो जो चीज़ें अनबॉक्स के दौरान निकाली जाती हैं वो हम आपको चेक कराएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये 30 वाट इन्वर्टर फैन है और इसका मॉडल शेप किस आपको इस तरीके से नज़र आएगा जो कि आप बिल्कुल वीडियो में देख रहे हैं, डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा है। इसी मॉडल को फिट करके जो जो चीज़ें मिलेगी फिट करके हम आपको डिस्प्ले पे चेक कराएंगे कि ये मॉडल जो है किस लुक में नज़र आएगा। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, ये 30 से 40 वाट पे ये वर्क करेगा और उसके आरपीएम 370 रहने वाले हैं जो कि बिल्कुल डिस्प्ले पे चेक कराए जा रहे हैं। और इसको अनबॉक्स करके जो जो चीज़ें इसके अंदर निकाली जाएगी सब चीज़ें हम आपको चेक कराएंगे, जो जो डिस्प्ले पे हम आप चेक करा रहे हैं सब चीज़ें आप आसानी से पढ़ सकते हैं और हम अनबॉक्स करके भी आपको चेक कराएंगे, आपके लिए आसानी रहेगी ताकि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलने वाली। उससे पहले हम आपको बॉक्स पर जो जो चीज़ें कंपनी ने लिख के भेजी वो चेक करा रहे हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना रहे इनको परचेज करने में, या फिर आप कोई भी फैन परचेज करना चाहते हैं, हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी फ़ैन के बारे में तो आपको परचेज करने में आसानी रहेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इन्वर्टर और एसी डीसी फ़ैन जितने भी कंपनियों के हमारे पास अवेलेबल है, टोटल की प्राइस मैंने बताई भी है जितने भी कंपनियों के अवेलेबल है हमारे पास, तो उसी की वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं और उनकी प्राइस भी आप मालूम कर सकते हैं। या फिर आपको जानने हैं किसी भी फ़ैन के बारे में प्राइस तो आप इसी चैनल पर काफ़ी वीडियो अपलोड है, काफ़ी कंपनियों के फ़ैन की वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको अलबुर्ज फ़ैन के बारे में बताने वाले हैं, इसकी प्राइस, इसके वाट, इसके आरपीएम हमने आपको चेक करा दिए, अब इसके वाट भी हमने आपको चेक करा दिए जो कि अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो सब चीज़ें आपको बताऊंगी। अब हम आपको अनबॉक्स करके चेक कराने इसके सर्किट के कनेक्शन और इसका लुक किस तरीके से नज़र आएगा, उसके ब्लेड किस तरीके से आपको नज़र आएंगे, सब चीज़ें हम आपको अनबॉक्स करके चेक कराएंगे ताकि आप कहीं से भी आप परचेज करें या फिर आप हमसे परचेज कर रहे हैं तो आपको परचेज करने में आसानी रहेगी। ये चीज़ें आपको पता होगा तो फैन में अनबॉक्स की जाती हैं तो आप आसानी से परचेज कर सकेंगे। तो हम आपको बताते हुए चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने अनबॉक्स की है। ये जो कटोरी आप देख रहे हैं जो कि डिस्प्ले पर आपको मॉडल नज़र आ रहा है, ये उसी की केप है, नीचे लगाई जाएगी और इसको केप को लगाने के लिए भी एक इसका लॉक होता है वो बिठाना पड़ता है, वो भी हम आपको चेक कराएंगे फिट करके ताकि आप अगर फिटिंग भी करा रहे हैं तो आपको आसानी रहेगी फ़िटिंग कराने में। तो ये आप देख लें, बिल्कुल सब चीज़ें हम आपको फ़िट करके चेक कराएंगे ताकि आप अगर फिट कर रहे हैं या फिर आप किसी से फिट करा रहे हैं तो आप रिमोट को भी हमने आपको चेक करा दिया, बारी आती है मोटर को चेक कराने की, मोटर को भी बाहर निकालेंगे और आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये इसका मॉडल की अगर बात करें तो ये ग्रेस का मॉडल है, आरपीएम की बात करें तो इसके 370 आरपीएम है, इसके वाट की अगर बात करें तो ये 30 वाट पे चलता है, डिपेंड करता है इसकी स्पीड पे, अगर आप इसके टर्बो स्पीड प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा 40 वाट पे और कंप्लीट 370 आरपीएम पे ये वर्क करेगा जो कि अच्छी इसकी हवा है। बिल्कुल आपने डिस्प्ले पर भी चेक किया होगा और इसके बॉक्स पर भी चेक किया होगा इसकी हवा, तो आप बिल्कुल देख लें। तो इसको फिट करने के लिए कुछ ये लॉक बिठाया जाता है बिल्कुल आपके सामने, मैं आपको फिट करके चेक कराऊँगा ताकि आप को भी पता हो अगर आप कहीं से या किसी से फिट करा रहे हैं ये फ़ैन तो आपको पता होगा कौन कौन सी चीज़ें लगाई जाती है। बिल्कुल आप देख लें, ये लॉक हमने बिठा लिया है, अब इसकी केप को बिठा रहे हैं और केप को बिठाने के बाद इसकी जो है अपना एक और लॉक होता है उसको बिठाएंगे ताकि पूरा फ़ैन ओके नज़र आए हमें। बिल्कुल आप देख लें, पूरा फ़ैन हमने फिट करके आपको चेक करा लिया है
ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगाई जाती हैं। उसके रिमोट को भी हमने आपको चेक करा दिया। अब बारी इसके सर्किट की भी आएगी, जो सर्किट को भी हम आपको चेक कराएंगे ताकि आपको सर्किट के कनेक्शन के बारे में भी पता चले। बिल्कुल आप देख लें, जो बॉक्स पे जिस तरीके से बना हुआ है ये फ़ैन, उसी तरीके से हमने फिट कर लिया है ऊपर। हाँ, बॉक्स पे अलग मॉडल है जो हम आपको चेक करा रहे हैं, थोड़ी से डिज़ाइन का फ़र्क है, लेकिन जो है अपना फ़ैन सेम ही है। डिज़ाइन अलग अलग है, बाकी ये थोड़ा डिज़ाइन अलग है। तो हमने जो है डिज़ाइन थोड़ी अलग है, मैंने आपको फिट करके चेक कराया। लुक आपको सेम ही नज़र आ रहा है, बिल्कुल आप देख लें। ग्रीस मॉडल है ये, अल बुर्ज का ग्रीस मॉडल है ये, और इसके आरपीएम मैंने आपको बता दिए। हम आपको इसकी प्राइस भी बताएंगे, उससे पहले हम आपको इसके कनेक्शन चेक कराएंगे ताकि आपको कनेक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप आगे की जो है प्राइस भी मैं जानना चाहेंगे, और इसके अलावा आप परचेज भी करना चाहेंगे। तो परचेज करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट में हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप उस पर लाजमी कॉल अगर आप हमें करेंगे तो आपको लोकेशन भेजी जाएगी, आप डायरेक्ट हमारे शॉप भी विजिट कर सकते हैं। और बिल्कुल आप देख लें, हम आपको सर्किट चेक करा रहे हैं, और सर्किट के कनेक्शन जो है इसमें सिर्फ एसी के कनेक्शन है। ये जो तीन तारे हम देख रहे हैं ये डायरेक्ट मोटर और सर्किट की वायर है, जो कि इसको आपने छेड़ने नहीं है, सिर्फ आपने 220 की वायर कनेक्शन देने होंगे इसमें से, जो कि आपके घर का लोड है, और डायरेक्ट ये फ़ैन वर्क करेगा। और ये सिर्फ एसी पे ही चलेगा, क्योंकि ये 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन है। इन्वर्टर फ़ैन जितने भी होते हैं वो एसी बिजली पर ही चलेंगे, 220 पे, वो बैटरी पर नहीं चलते, क्योंकि इन्वर्टर फ़ैन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पर चला जाते हैं, और जो एसी डीसी फ़ैन होते हैं वो बिजली और बैटरी पर आप दोनों पे चला सकते हैं। आपके सामने है टोटल चीज़ें, आप देख सकते हैं, और इसका रिमोट भी हम आपको दोबारा से चेक कराएंगे ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो रिमोट भी किस लुक में नज़र आएगा। और इसके आरपीएम तो हमने आपको चेक करा लिया, ये और ये 99.99% जो है कोपर में आता है, जो कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपनी लिख के भेज रही है। और टोटल चीज़ें डिस्प्ले पे आपके सामने हैं, सब चीज़ें आपके सामने हैं, कनेक्शन आपके सामने हैं, और टोटल लुक आपके सामने है। और हमने आपको चेक भी करा लिया टोटल फिट करके कि किस तरीके से इसका लुक नज़र आएगा। टोटल आप देख लें, ये जो है 30 वाट पर वर्क करेगा, डिपेंड करता है इसकी स्पीड पर। आप अगर इसकी टर्बो की स्पीड प्रेस करेंगे तो 40 वाट पर चलेगा और फुल आरपीएम पर चलेगा। और कंपनी की बात करें तो ये अल बुर्ज का ये मॉडल है, और अगर इसकी प्राइस की हम बात करें तो इसकी प्राइस रहने वाली है 9000 रुपये। 9000 रुपये में आपको 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन मिल जाता है, वो भी आपको फैंसी मॉडल मिल जाता है। बिल्कुल आप देख लें, आप ये नहीं समझिए कि 30 वाट बोल रहे हैं तो ये 40 वाट पे कैसे वर्क कर रहा है। देखें, अगर आप इसकी डिपेंड करता है इसकी स्पीड पे, अगर आप इसकी टर्बो की स्पीड प्रेस करेंगे, इसमें ऑप्शन होते हैं 1 से लेके 5 तक इसकी स्पीड होती है। आप देख लें रिमोट पे, बिल्कुल सेम रिमोट भी मैं आपको चेक करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। तो टर्बो की स्पीड होती है हाई स्पीड, जो कि गर्मियों में यूज़ की जाती है, फुल गर्मियों में, ताकि फुल स्पीड पे फ़ैन चले, तो उस पर ये लेगा 40 वाट और 370 आरपीएम पे वर्क करेगा। अगर सर्दियों में आप चला रहे तो नॉर्मल 30 वाट पे वर्क करेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको कम स्पीड पे यूज़ करना होता है फ़ैन। टोटली इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, उम्मीद करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अभी आपको इंतज़ार होगा कि इसके ब्लेड जो है कुछ लुक में नज़र आने वाले हैं। तो अभी चलते हैं ब्लेड की तरफ, ब्लेड को भी अनबॉक्स करके चेक कराते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसकी जो साइज़ है 56 इंच की साइज़ है। इन्वर्टर फ़ैन जितनी भी कंपनियों के आते हैं या फिर एसी डीसी फ़ैन जितनी भी कंपनियों के आते हैं, टोटल ही 56 इंच में ही आते हैं। बाकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कम साइज़ में फ़ैन चाहिए तो प्राइस सेम ही होती है, लेकिन ब्लेड की साइज़ कम होती है तो 48 की साइज़ बन जाती है। बिल्कुल आप देख लें, ब्लेड भी हमने आपको अनबॉक्स करके चेक करा ली है, और उसकी रोड भी हमने आपको चेक करा ली जो अभी आपके डिस्प्ले पे सामने थी। तो आप ब्लेड भी हम आपको एक बाहर निकाल के चेक करा रहे हैं, उसकी चौड़ाई भी आप देख सकते हैं, मोटाई भी देख सकते हैं, सब चीज़ें लाइव आप चेक करेंगे तो आपको हर चीज़ का पता होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये फ़ैन है, और इसकी चौड़ाई मैं आपको हाथ से चेक कराऊंगा कि ये कितनी चौड़ाई, बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे हाथ से इसकी जो चौड़ाई है कितनी है। टोटल ब्लेड की साइज़ जो है 56 इंच की है, और इसकी मोटाई भी आप चेक कर सकते हैं, और सब बाकी आपको वेट का अंदाज़ा हो रहा होगा। ये ब्लेड जो है देखें आप, ब्लेड में जितना वेट होता है तो उतनी हवा जो है अच्छी बनती है। तो अगर इसके 370 आरपीएम है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी हवा अच्छी हो। अभी आपको इंतज़ार होगा हमारे व्हाट्सअप नंबर का, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन के सामने हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।